हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स या फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का केस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें सी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कौन से, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया यहाँ पे R, ठीक है। इसके बाद इससे अगला कार्बन होता है अल्फा, इससे अगला कार्बन बीटा, यहाँ अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है। इस तरीके से ये चार कार्बन का, ये चार एटम्स का फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये चार एटम्स का फ्रेगमेंट बनेगा, आगे कुछ भी हो उससे हमें मैटर नहीं है, ठीक है। उसको हम जब हम रूल में देखेंगे तो पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये चार एटम्स का फ्रेगमेंट बनेगा। अच्छा, इसमें लैम्डा मैक्स किस तरह की ट्रांजिशन की निकालनी है, देखना। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड में दो तरीके की ट्रांजिशन हो सकती है, एक पाई टू पाई स्टार और एक एन टू पाई स्टार, ठीक है। ये वुडवर्ड फिशर रूल जो यूज होगा ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए यूज होगा यहाँ पे, यानी लैम्डा मैक्स कौन से ट्रांजिशन की निकालनी है आपको, लैम्डा मैक्स आपको पाई टू पाई स्टार के निकालनी है, ठीक है। पाई टू पाई स्टार की लैम्डा मैक्स निकालेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैंने जब आपको वुडवर्ड फिशर रूल और हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तब क्या समझाया था कि लैम्डा मैक्स जो निकालते हैं किसी भी कंपाउंड को देख के, वो कैसे निकालते हैं, एक पेरेंट डिसाइड करते हैं, और पेरेंट्स पेरेंट पे फिर सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या फिर इंक्रीमेंट्स जिन्हें कहते हैं, देखो इनकी कुछ लैम्डा वैल्यू होती है, पेरेंट की, सब्स्टिट्यूएंट्स की कुछ लैम्डा वैल्यू होती है, और सारी लैम्डा वैल्यूज को सम करके क्या आता है, सारी वैल्यूज को सम करके आता है लैम्डा मैक्स। तो सबसे पहले हमें इन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में पेरेंट डिसाइड करना सीखना होगा, जैसे हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में होमो एनुलर डाइन कहा था, होमो एनुलर डाइन कहा था, हेट्रो एनुलर डाइन कहा था, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट एसाइक्लिक कहा था, दी थी ना कुछ वैल्यू इनके लिए, क्या वैल्यू दी थी, पेरेंट एसाइक्लिक के लिए 217 दी थी, होमो एनुलर के लिए 253, हेट्रो एनुलर के लिए 214। तो इस तरीके की कुछ वैल्यू ये क्या थे, पेरेंट्स थे, और ये किस में थे, किस केस में थे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, ठीक है। अब हमें यहाँ किस केस में पढ़ना होगा, यहाँ पढ़ना होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेरेंट डिसाइड करना सीखेंगे, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ वैल्यूज कितनी होती है उनको देखेंगे। देखो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे चार तरह के पेरेंट आएंगे, यहाँ पे चार तरीके के पेरेंट आएंगे। एक पेरेंट होगा, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी पेरेंट होगा वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। लेकिन ये पेरेंट कैसे कैसे अलग होंगे, आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में होता है, जैसे एस्टर में हो गया, एल्डिहाइड में हो गया, कीटोन में हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप बदल सकते हैं भाई, एसिड में हो गया है ना, कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो,
कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर हो, तो हमें वैल्यूज अलग अलग कंसिडर करनी पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा रिंग का केस भी आ सकता है। अब देखो जैसे मैं एग्जाम मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ पेरेंट ए साइक्लिक, पेरेंट ए साइक्लिक या फिर सिक्स मेंबर, ठीक है, एंड हायर कीटोन, हायर कीटोन। देखो इस जैसे मैंने कहा पेरेंट ए साइक्लिक, पेरेंट ए साइक्लिक कीटोन, पेरेंट ए साइक्लिक कीटोन का मतलब क्या होता है, कीटोन क्या होता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इधर मान लो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और इधर मान लो मैंने ले लिया सी एच थ्री, यहाँ पे एक एच लगा है, यहाँ पे एक एच लगा है। अब देखो मुझे बताना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो गया ये, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो गया, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, इस पे डबल बॉन्ड है और ए साइक्लिक है, तो इस कैटेगरी में इस तरह के कीटोन आएंगे जो रिंग वाले नहीं है, जो रिंग वाले नहीं है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड तो हर केस में लगेगा, हर केस में होगा, क्योंकि मैंने आपको वुडवर्ड फिशर रूल में एक चीज बताई हुई है कि वुडवर्ड फिशर रूल हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम पे लगता है, एटलीस्ट दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होने चाहिए। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में कैसे हैं, एक तो कार्बोनिल वाला, एक बगल में कार्बन कार्बन वाला, देखो ये कंजुगेशन में, तो वुडवर्ड फिशर रूल जब ही लगेगा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ऐसा अगर मैं कोई कीटोन ले लूं CH2, CH2, CH3, अब इस पर वुडवर्ड फिशर रूल नहीं लगा पाओगे क्योंकि इस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, कोई कंजुगेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको मेरी वीडियोज में बताई हुई है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना कि वुडवर्ड फिशर रूल जब भी लगेगा जब दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में। अच्छा यहाँ पे पेरेंट एसाइक्लिक कीटोन देखा हमने, अच्छा सिक्स मेंबर कीटोन, जैसे मैं ऐसा ले लेता हूँ कीटोन, ये डबल बॉन्ड सिक्स मेंबर कीटोन, ये अल्फा है ये बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड, ये देखो ये कैसा कीटोन हो गया, पेरेंट सिक्स मेंबर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन जरूर पाएगी, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड ना मिले। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी ये बात मैंने। अच्छा पेरेंट एसाइक्लिक या सिक्स मेंबर या हायर कीटोन अगर मैं लूँ तो इसकी पेरेंट वैल्यू कितनी ली जाती है, इसकी बेस वैल्यू ली जाती है 215 नैनोमीटर, यहाँ पे मैं लैम्डा मैक्स की वैल्यूज भी लिखूंगा साथ ही, ठीक है 215 नैनोमीटर। अगर मैं दूसरा लूँ, दूसरा लिया जाता है पेरेंट फाइव मेंबर रिंग, पेरेंट फाइव मेंबर रिंग, अगर कोई फाइव मेंबर रिंग कीटोन आ गया तो उसके लिए कितनी वैल्यू ली जाएगी, उसके लिए वैल्यू ली जाएगी 202 नैनोमीटर, उसके लिए वैल्यू ली जाएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 202 नैनोमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगे क्योंकि वैल्यूज का कोई अल्टरनेट नहीं है, वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगे पेरेंट फाइव मेंबर रिंग कीटोन। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरी वैल्यू लिखता हूँ, तीसरी वैल्यू होगी पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की, पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की। ठीक है, इसके लिए वैल्यू कितनी लेंगे, इसके लिए वैल्यू लेंगे 207 नैनोमीटर, 207 नैनोमीटर। ठीक है, पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का एग्जांपल जैसे मैं ऐसे लिख दूं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अच्छा पेरेंट फाइव मेंबर रिंग कीटोन ऐसा एग्जांपल लिख दूं मैं, डबल बॉन्ड ओ और ये देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, पांच मेंबर रिंग है और क्योंकि कार्बोनिल है तो कीटोन है। ठीक है, अच्छा इसमें चौथी वैल्यू आती है, चौथी वैल्यू किसकी आती है, पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
अल्फा बीटा अनसेचुरेशन इन चारों की चारों वैल्यूज में है, इस चीज का ध्यान रखना। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, इनके लिए जो बेस वैल्यू ली जाती है वो 195 नैनोमीटर ली जाती है। पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखोगे या एस्टर कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे ओ सी एस थ्री कर दो, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बन गया। यहाँ पे ओ सी एस थ्री के लिए क्या करो, यहाँ पे ओ सी एस थ्री की जगह कर दो ओ एच कर दो, ये पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के केस में 195 नैनोमीटर, ठीक है, एल्डिहाइड के केस में 207 नैनोमीटर, 5 मेंबर रिंग कीटोन के केस में 202 नैनोमीटर, और ए साइक्लिक को या फिर 6 मेंबर रिंग कीटोन के केस में 215 नैनोमीटर। इस चीज का ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि अल्फा बीटा अनसेचुरेशन तो हर जगह है, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है। ये तो पेरेंट्स की वैल्यू थी, ये तो जो पेरेंट थे ना उनकी वैल्यू थी। अब मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंट्स की, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको चार वैल्यूज याद रखनी है, मैं साइड में लिख लेता हूँ। 201 वैल्यू याद रखनी है आपको, 202, एक वैल्यू याद रखनी है 207, एक वैल्यू याद रखनी है 195, और एक वैल्यू याद रखनी है 215, चार वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। 215 याद रखनी है 6 मेंबर रिंग के केस में, 6 मेंबर रिंग कीटोन, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 6 मेंबर रिंग कीटोन, 6 मेंबर रिंग कीटोन या ए साइक्लिक कीटोन, ठीक है। अच्छा 202 5 मेंबर रिंग कीटोन, अच्छा 207 एल्डिहाइड वाला, अच्छा 195 एस्टर या एसिड, और अल्फा बीटा अनसेचुरेशन तो सब में है, इस चीज को मैंने कहा है, ठीक है, बार बार कहता रहूंगा मैं इस बात को। अच्छा अब मैं इंक्रीमेंट्स की वैल्यू लिखता हूँ, इंक्रीमेंट्स की देखना। इंक्रीमेंट्स में मैं सबसे पहले कहूंगा, इंक्रीमेंट्स में मैं सबसे पहले कहूंगा इसको, आपने एक इंक्रीमेंट पढ़ा था डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, इसका इंक्रीमेंट कितना आता है? इसका इंक्रीमेंट आता है 30 नैनोमीटर, वहां पे भी 30 नैनो, ये इंक्रीमेंट्स की वैल्यू जितनी भी लैम्डा में चलेगी वो सभी की सभी नैनोमीटर में चलेगी, तो मैं यूनिट्स वगैरह कम मेंशन करूँगा, ठीक है। दूसरा इंक्रीमेंट, अच्छा अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसका इंक्रीमेंट होगा 5 नैनोमीटर का, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप है, अगर अल्काइल ग्रुप या फिर जिसको हम रिंग रेजिड्यू कहते हैं, रिंग रेजिड्यू कहते हैं, अच्छा अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ना इसकी पोजीशन मैटर करेगी, इसकी पोजीशन किस तरह मैटर करेगी देखना। मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो हमने पहले पढ़ा था, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का लिखता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का। अच्छा मैं कैसे कहता हूँ, देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यही था, ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ। अब हम पेरेंट क्या कह रहे थे, या फिर मैं ऐसे भी ना लेके मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये 6 मेंबर रिंग ली, एक रिंग और ली, ठीक है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड लगाए, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब पेरेंट किसको कहते थे, इतने को पेरेंट कहते थे, इतने को, ठीक है, और जब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन लेते थे तो पूरा पेरेंट क्या हो जाता था, ये हो जाता था। अभी 6 कार्बन पे आप पेरेंट अल्काइल रेजिड्यू देखते थे, रिंग रेजिड्यू देखते थे इन 6 कार्बन पे, तो एक रिंग रेजिड्यू ये, एक रिंग रेजिड्यू ये, एक रिंग रेजिड्यू ये, और हर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5 ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे
इस केस में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में हर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5 ऐड नहीं होगी। देखो यहाँ पे कैसा केस आएगा, मान लो मैंने एग्जांपल लिया ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ एक CH3 लिया, यहाँ एक CH3 लिया, ठीक है, एक एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट ले लेता हूँ और एक CH3 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं अगर नेमिंग करूँ, नंबर करूँ, तो ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा, और पेरेंट किसको कहोगे, पेरेंट कहेंगे हम इतने को। देखो चार कार्बन का पेरेंट पहले ये बनेगा, ठीक है, और फिर इस चार कार्बन के पेरेंट में एक्सटेंडिंग कंजुगेशन और मिला दोगे तो ये पेरेंट बनेगा, ठीक है, टोटल छह कार्बन का पेरेंट मिल जाएगा। अब पहले तो हमने क्या डिसाइड किया, पेरेंट डिसाइड किया, उसके बाद वैल्यू ऐड की कंजुगेशन एक्सटेंडिंग वाली, जो कंजुगेशन एक्सटेंड करी है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे किसकी, एक्सोसाइक्लिक वाली। एक्सोसाइक्लिक पहचानना हम एग्जांपल्स में सीखेंगे, हमें आता भी है, ठीक है। अच्छा अल्काइल रेजिड्यू की बात करते हैं। अब देखना यहाँ पे जो अल्काइल रेजिड्यू है, एक अल्काइल रेजिड्यू इस अल्फा पोजीशन पे है, ये रहा, एक इस बीटा पोजीशन पे है, ये रहा, एक इस गामा पोजीशन पे है, एक इस डेल्टा पोजीशन पे, पोजीशन के हिसाब से वैल्यू है, ठीक है। अगर अल्फा पोजीशन पे है तो वैल्यू ऐड होती है 10, अगर बीटा पोजीशन पे है तो वैल्यू ऐड होती है 12, और अगर गामा या फिर हाइयर पोजीशन पे है तो वैल्यू ऐड होती है 18 नैनोमीटर। यानी जब इंक्रीमेंट ऐड करोगे तो देखो इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हर किसी की वैल्यू कितनी ऐड कर रहे थे, 5, हर अल्काइल या रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी ऐड कर रहे थे, 5, लेकिन इस केस में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में हर किसी की वैल्यू 5 नहीं ऐड करनी, पोजीशन देखनी है पहले कि वो अल्फा पोजीशन पे है, बीटा पे है, या गामा या डेल्टा उनसे आगे पे है। अगर अल्फा पे है तो वैल्यू 10 ऐड करना, बीटा पे है तो 12 ऐड करना, गामा डेल्टा या उससे आगे की वैल्यू सभी पे ही 18 ऐड करना। इस चीज का ध्यान रखना वैल्यूज अलग अलग होती हैं, मैं इनको लिखता हूँ, देखना इसको मिटा देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा प्रॉपरली और लिख देता हूँ। बस मैंने ये कहा है अल्काइल रेजिड्यू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले में सब में 5 था, ठीक है, यहाँ पे सब में 5 नहीं है, पोजिशन के हिसाब से बदलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर अल्फा पे है तो 10 नैनोमीटर, बीटा पे है तो 12 नैनोमीटर, और डेल्टा या हायर पोजीशन पे है तो 18 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जो ग्रुप्स हैं, अच्छा इसमें एक चीज हो रहेगी, एक चौथा कंसेप्ट हो रहेगा, होमोडाइन कंपोनेंट, होमोडाइनिक कंपोनेंट, होमोडाइनिक कंपोनेंट, ये जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो इनमें बात करेंगे होमोडाइनिक कंपोनेंट की, ठीक है, किस तरीके से कंसीडर होता है ये, लेकिन होमोडाइनिक कंपोनेंट की प्लस 39 नैनोमीटर ऐड किया जाता है, होमोडाइनिक कंपोनेंट का प्लस 39 मीटर ऐड किया जाता है। अच्छा होमोडाइनिक कंपोनेंट जो है ना वो आपको जब दिखेगा जब कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स लूंगा ऐसे, होमोडाइनिक कंपोनेंट क्या होता है मैं उसके भी एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये तो हुए जो जनरल आप लोगों को मैक्सिमम एग्जांपल में देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम एग्जांपल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी लगते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीमेंट, जैसे OH लगा दिया, ठीक है। अब ये मैटर करेगा कि कौन सी पोजीशन पे, जैसे अल्काइल ग्रुप के पोजीशन देख रहे थे ना वैसे इन इनकी भी पोजीशन, अगर OH अल्फा पोजीशन पे है तो 35 नैनोमीटर ऐड करना है, अगर बीटा पोजीशन पे है तो 30 नैनोमीटर ऐड करना है, अगर डेल्टा पोजीशन पे है तो 50 नैनोमीटर ऐड करना है, ठीक है।
मैं आगे चलता हूँ, बाकी ग्रुप की बात करता हूँ। जैसे OH की जगह अगर OR ग्रुप है, OR ग्रुप भी काफी जगह हो सकता है, अल्फा पे हो सकता है, बीटा पे हो सकता है, गामा पे हो सकता है, डेल्टा पे हो सकता है। अगर OR ग्रुप अल्फा पे है तो 35 ऐड करना है, बीटा पे है तो 30 ऐड करना है, गामा पे है तो 17, डेल्टा पे है तो 31 नैनोमीटर ऐड करना है। ये इंक्रीमेंट्स हैं जो वैल्यूज आपको ऐड करनी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन पोजीशंस पे वैल्यूज को चेक कर, ग्रुप्स को चेक कर। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की वैल्यूज लिखूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट डिसाइड करना है। पेरेंट चार कार्बन का होगा, ठीक है। पेरेंट डिसाइड करके आपको ये देखना है कि पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कितने रिंग का है। ठीक है, रिंग साइज सिर्फ मैटर करेगा कीटोन वाले में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह में रिंग साइज नहीं देखना, एल्डिहाइड में रिंग साइज का कोई मैटर नहीं है, कीटोन वाले में रिंग साइज का मैटर है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट देखा, उसके बाद देखा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है या नहीं है। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है तो उसका 30 नैनोमीटर ऐड करके उन दो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वाले कार्बन को भी रिंग उसमें पेरेंट में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, जैसे मैं ऐसा एग्जांपल लूं, ये मैंने लिखा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, पेरेंट कौन है, ये कंपाउंड कैसा है, कीटोन है, तो पेरेंट क्या होगा, कीटोन का होगा। अच्छा, रिंग कितने हैं, 6 मेंबर है ना, तो 6 मेंबर रिंग कीटोन है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये पेरेंट बन गया, अल्फा बीटा का है, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, पेरेंट डिसाइड हो गया। अब देखना गामा डेल्टा पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो अब पेरेंट में किसको मिला दोगे, इस गामा डेल्टा वाले को भी। ये पूरा पेरेंट बन गया 6 कार्बन का, कितने, 6 एटम का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट 6 मेंबर के टोन के लिए वैल्यू कितनी ली थी, 215 नैनोमीटर, उसके बाद डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 नैनोमीटर। होमोडाइन कंपोनेंट कैसे देखता है मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे अल्काइल रेजिड्यू देखते थे, ठीक है, वैसे ही अल्काइल रेजिड्यू देखना है, पेरेंट कौन कौन से हैं देखना, पेरेंट ये हैं, एक ये सारे पेरेंट हैं, और इस ऑक्सीजन को मिला के, ऑक्सीजन पे तो कार्बन आएगा नहीं, अब इन पेरेंट पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस पे, पांचवे पे और छठे पे, इन पे आपको कौन कौन से कार्बन लगे दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है तो ये अल्काइल रेजिड्यू है, एक यहाँ लगा दिख रहा है तो ये अल्काइल रेजिड्यू है। ये अल्काइल रेजिड्यू कौन सी पोजिशन पे है, अल्फा बीटा, एक तो गामा वाले पे है और एक डेल्टा वाले पे है। तो डेल्टा वाले, गामा वाले के लिए वैल्यू कितनी ऐड करते थे, 18, डेल्टा वाले के लिए 18, ऐसे ऐड करो। फिर देखो यहाँ OH वगैरह नहीं है, है या नहीं है, जैसे इस अल्फा वाले पे OH लगा दिया, तो अल्फा वाले पे OH की वैल्यू कितनी लेते थे, 35 ऐड करते। इस तरीके से पूरा सिक्वेंशली चेक करना है, ज़्यादा कुछ इसमें अलग नया नहीं है, बस आपको ग्रुप्स वगैरह ध्यान होने चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू है, किसकी क्या वैल्यू नहीं है। ठीक है, उनसे सबसे ज़्यादा अगर ग्रुप्स की वैल्यू आपको याद नहीं होगी तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो काम बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप देखना इन एग्जाम्पल्स को और फिर आपको और थोड़ा अच्छा समझ आएगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल एक कीटोन का ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया CH3, CH3 डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अच्छा मैं अब देखता हूँ, देखो पेरेंट कौन सा है, ये कंपाउंड को क्या है, कीटोन है, कीटोन है, तो मैं लिखूंगा पेरेंट कीटोन, पेरेंट कीटोन। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, तो पेरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अच्छा रिंग नहीं है, एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, तो मैं लिखूंगा पेरेंट ए साइक्लिक अल्फा बीटा
अनसेचुरेटेड कीटोन, ठीक है। पूरा नाम क्या आया? पेरेंट ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। इसके लिए वैल्यू कितनी आई? इसके लिए वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद मुझे बताना एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, अल्फ क्या अल्फा पे अल्काइल ग्रुप है? नहीं है। रिंग रेजिड्यू अल्काइल ग्रुप जो आपको चेक करने हैं अल्फा से आगे पे चेक करने हैं, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू अल्फा के लिए 12, अल्फा के लिए 10 दी थी, बीटा के लिए 12 दी थी, ठीक है। बीटा के लिए 12। कई बार बच्चों को डाउट होता है सर इसको कंसिडर करें कि ना करें, इसको कंसिडर नहीं करना अल्काइल रेजिड्यू में, क्योंकि ये CH3 ग्रुप तो इस कार्बोनिल को कीटोन बना रहा है। अगर इस CH3 के जगह एच रख दोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसलिए इस CH3 को मत कंसिडर कर लेना, कहीं इस कार्बन को अल्फा कह दो, ऐसा नहीं मत करना बिल्कुल भी। ये कार्बोनिल वाला कार्बन अल्फा नहीं है, इसके बगल वाला अल्फा है। और वहीं से ही रिंग रेजिड्यू चेक करने, वहीं से ही सब्स्टिट्यूएंट चेक करने, ठीक है। तो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। बीटा पे देखो, बीटा पे एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, कितने अल्काइल ग्रुप हैं? दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो टू अल्काइल ग्रुप एट बीटा। बीटा वाले के लिए एक की वैल्यू 12 नैनोमीटर, दो की वैल्यू 24 नैनोमीटर, और फिर टोटल जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 239 नैनो, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। देखना अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। अगले एग्जांपल में मैं लिखता हूं, यहां पे मान लो मैंने लिखा डबल बॉन्ड हो, यहां पे मैंने लिखा ये डबल बॉन्ड, यहां पे ये डबल, ठीक है। अब देखना कार्बोनिल कंपाउंड का कंसीडर कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का तो ये क्या है? कीटोन है, कीटोन है ना। अब मुझे बताना साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन कितने मेंबर है? 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर। तो मुझे बताना ये कौन सा हो गया? पेरेंट 6 मेंबर, पेरेंट 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन हो गया। और पेरेंट 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन के लिए कितने वैल्यू लेते थे? 215 नैनोमीटर। अच्छा मुझे बताओ, देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है। अच्छा कई बार बच्चों को डाउट होता है सर इस डबल बॉन्ड का क्या करें, इसका कोई रोल है कि नहीं है? इसका कोई रोल नहीं है, ना तो ये कंजुगेशन में है ना ही कंजुगेशन में है, ठीक है। अकेला डबल बॉन्ड है ना, और मैंने आपको बताया था वुडवर्ड फिशर रूल जब ही लगेगा जब दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, अकेले से काम नहीं बनेगा। ये इस कार्बोनिल के साथ भी कंजुगेशन में नहीं है, और अपने सा अपने साथ भी किसी और डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में नहीं, कहीं भी कंजुगेशन नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना, इसको कंसिडर नहीं करना। अच्छा अल्फा बीटा, अब मुझे बताना अल्फा बीटा पे सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा पे एक अल्काइल ग्रुप और लगा देता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट बताना। एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? ये देखो ये अल्फा पे हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? बीटा पे, कौन सा? ये रहा, इधर कार्बन है ना, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मैं ऐसे लिखता हूँ, वन अल्फा सब्स्टिट्यूएंट, एक अल्फा सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा वाले की आती है 10 नैनोमीटर, ठीक है। और एक बीटा पे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है, बीटा पे सब्स्टिट्यूएंट, उसकी वैल्यू कितनी है? 12 नैनोमीटर। टोटल कर दो, ये आंसर आ जाएगा 237 नैनोमीटर। और कुछ भी नहीं है इसमें, ना ही एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, देख सकते हो ना ही एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, ना ही और कुछ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखना मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बिल्कुल ऐसा ही, उसमें थोड़ी सी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखना मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पेरेंट
पेरेंट कार्बोनिल, ठीक है। अच्छा सिक्स मेंबर है पेरेंट कार्बोनिल, या फिर मैं ऐसे कहूंगा कीटोन है, तो पेरेंट कार्बोनिल की जगह क्या लिख दो, पेरेंट कीटोन लिख दो, ठीक है। अच्छा सिक्स मेंबर है तो पेरेंट सिक्स मेंबर कीटोन, पेरेंट सिक्स मेंबर रिंग कीटोन। अच्छा पेरेंट सिक्स मेंबर रिंग कीटोन के लिए वैल्यू कितनी लेते थे, 215 नैनोमीटर। इसके अलावा देखो अब मैं ऐसा कहूं कि जैसे मैंने मान लो ये कहा, आप पेरेंट किसको मानोगे, इतने को मानोगे, ये चार चार एटम का यही पेरेंट होगा। अच्छा ये डबल बॉन्ड बताना, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में आ रहा है, तो मैं ऐसे लिखूं वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए कितनी वैल्यू ऐड करते थे, 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब पेरेंट मुझे बताना कितना हो गया, अब मैं कहता हूँ पेरेंट इसको हटा देता हूँ, और अब पेरेंट कितना हो गया, अब पेरेंट इतना हो गया, ये हो गया पेरेंट, ठीक है। अब 6 कार्बन का पेरेंट हो गया, जिसमें अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, और डेल्टा ये है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे मैं अब ऐड करूंगा होमोडाइनिक कंपोनेंट, होमोडाइनिक कंपोनेंट। अच्छा मुझे बताना होमोडाइनिक कंपोनेंट क्या होता था, होमोडाइन होमोडाइन क्या होती थी। देखो जब एक ही रिंग में डबल बॉन्ड दो होते थे तो होमोडाइन कंसीडर करते थे आप इसे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, आपने कंपाउंड क्या लिया है, ये लिया है ना कंपाउंड, मैंने क्या किया इसको होमोडाइन की तरह कंसिडर करने के लिए एक बार ये कार्बोनिल हटा दिया, तो ये होमोडाइन कंपोनेंट जैसा है, होमोएनुलर है ना, आपको होमोएनुलर जैसा दिख रहा होगा, और ये होमोडाइनिक कंपोनेंट कुछ नहीं है जब दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है तो उसी को ही होमोडाइनिक कंपोनेंट कहते हैं, या फिर इसका पूरा नाम लिखो ना, तो इसको होमो एनुलर डाइइन कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको होमो एनुलर डाइइन कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपको इस रिंग में, दिख रहा है ना इस रिंग में, कहाँ दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो इसके लिए कितनी वैल्यू ऐड करूँ, 39 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद एक चीज बताना, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट चेक करें, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखना डेल्टा पोजीशन पे है, अल्फा पे कोई नहीं है, बीटा पे नहीं है, गामा पे नहीं है, डेल्टा पे है, कहाँ, एक ही एरा, एक ही एरा, कितने हैं, टू रिंग रेजिड्यू, टू रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा, एक डेल्टा के लिए 18 आती थी, दो डेल्टा के लिए 36 आएगी, तो कितनी वैल्यू ऐड करनी है, 36 नैनोमीटर में ऐड करनी है, टोटल वैल्यू ऐड करना आपका आंसर आ जाएगा, कितनी वैल्यू बनेगी टोटल देखना, 215 प्लस 30 नैनोमीटर प्लस 39 प्लस 36, ओवरऑल वैल्यू आ गई 320 नैनोमीटर, ये टोटल वैल्यू आ गई 320। ऐसा ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बुक्स में पता नहीं आपको मिले कि ना मिले, लेकिन होमोडाइनिक कंपोनेंट समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से कंसिडर किया, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक 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 तो एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखना मैं ये कहता हूँ एक एग्जाम्पल आप ये लो, जैसे मानो मैंने ये लिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कीटोन है, कीटोन है, तो मैं क्या मानूं, पेरेंट कीटोन, पेरेंट कीटोन, अच्छा कौन सा कीटोन है, सिक्स मेंबर रिंग वाला, सिक्स मेंबर रिंग वाला, तो पेरेंट कीटोन कितना हो गया, पेरेंट सिक्स मेंबर कीटोन, सिक्स मेंबर रिंग कीटोन, ठीक है। अच्छा रिंग कीटोन के लिए 215 नैनोमीटर लेते थे, इसके बाद मुझे बताना पेरेंट कितने को मान लोगे,
इतने को एक दो तीन चार को पेरेंट मान लोगे। अच्छा ये पांचवें और छठे वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, तो मैं कहूँ वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ठीक है, इसके लिए कितनी वैल्यू ऐड करूँगा, इसके लिए ऐड करूँगा +30 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखना मैं आगे चलता हूँ। मैं ऐसा कहता हूँ कि अब पेरेंट कितना हो गया, अब पेरेंट हो गया ये पूरा पेरेंट हो गया इतना। ठीक है, और पोजीशंस की नंबर कर दूँ तो इस वन वाले इस थ्री वाले को मैं कहूँगा अल्फा, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है। ठीक है, अब एक चीज देखना, तीसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अभी तक हमने ऐसा एग्जांपल नहीं लिया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखता है आपको? मेरे को दो डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक दिखते हैं, दिखते हैं नहीं, एक ही है यहाँ पे, दो से मत ध्यान देना ना, एक ही है। देखना, इसको मैं रिंग नंबर वन कहता हूँ, इसको मैं रिंग नंबर टू कहता हूँ। रिंग नंबर वन में जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन रिंग नंबर टू में जो डबल बॉन्ड है वो रिंग नंबर वन के एक्सोसाइक्लिक है ना। इस कार्बोनिल को कभी भी एक्सोसाइक्लिक नहीं कहोगे, इस चीज का ध्यान रखना, नेवर एक्सोसाइक्लिक। कार्बोनिल रिंग में थोड़ी आता है, रिंग के बाहर ही तो आएगा, तो इसको एक्सोसाइक्लिक मत मानो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मानो जो रिंग के बाहर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो जस्ट एक रिंग के बाहर है, ठीक है, उसको एक्सोसाइक्लिक मानो। अब देखो, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर। ठीक है, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस कीटोन वाले को भी एक्सोसाइक्लिक मान के और टोटल दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब बताना मुझे, अब मैं क्या देखूं, अल्काइल रेजिड्यू देखूं, रिंग रेजिड्यू। ठीक है, देखो अल्फा पे कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, बीटा पे है, कहाँ है, ये रहा, तो रिंग रेजिड्यू मैं ऐसे लिखूंगा 1 एट बीटा। ठीक है, गामा पे कोई नहीं है, डेल्टा पे है, ये रहा, तो 1 एट डेल्टा। अल्फा वाले के लिए 10 आता था, बीटा वाले के लिए 12 नैनोमीटर, डेल्टा वाले के लिए और गामा वाले के लिए 18 नैनोमीटर। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। इन सारी वैल्यूज को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 280 नैनोमीटर। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी तक के एग्जांपल्स में पेरेंट डिसाइड करना, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट, अल्काइल रेजिड्यू कैसे देखोगे और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के बारे में बताया। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेता हूँ मैं कीटोन के, थोड़ा सा आपको उससे और क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक कुछ एक आधा एग्जांपल आता है एक्सेप्शनल में, देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल ये देखना, थोड़ा सा और अच्छा आपको समझ आएगा। जैसे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, अच्छा और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप दो पेरेंट डिसाइड कर सकते हो, दो पेरेंट कैसे, देखो पेरेंट तो कीटोन ही रहेगा, कीटोन ही रहेगा, लेकिन एक पेरेंट ये बन सकता है। चार कार्बन का पेरेंट लेना है ना, एक पेरेंट ये बन सकता है और एक पेरेंट बन सकता है ये डबल बॉन्ड हो ये। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड नंबर वन है और ये जो डबल बॉन्ड नंबर टू है, ये दोनों एक दूसरे में एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो हमें किसी एक को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, हमें किसी एक को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, हम दोनों को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के देखें। ठीक है, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के देखें। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ, एक डबल बॉन्ड मैं इसके साथ लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। जब आपने पेरेंट क्या माना है, आपने पेरेंट माना है इसको, इसको देखो, इसको पेरेंट माना है। ठीक है,
इस डबल बॉन्ड को छोड़ दिया है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का भी पार्ट नहीं है, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का भी पार्ट नहीं है। क्यों? एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट कैसे बनता? एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट ये जब बनता जब ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आता, जब ये इस डबल बॉन्ड नंबर 1 के साथ कंजुगेशन में आता तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट बनता। कैसे कंजुगेशन में? जैसे यहाँ आ गया, अब कंजुगेशन में ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ ना बना के कहाँ बना दूँ, इसको बना दूँ यहाँ। अब देखो, अब कंजुगेशन अगर इस डबल बॉन्ड नंबर 1 के साथ कंजुगेशन में आता ना तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट है, लेकिन अब नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार बच्चों को ये भी डाउट होता है, सर ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो मैं एक पेरेंट मैंने ये माना, एक पेरेंट और मानता हूँ, उसको क्या मानू? देखो जैसे मैंने यहाँ पे रिंग बनाई, और अब पेरेंट क्या है? अब पेरेंट है ये, अब मैं मार्क करता हूँ रेड से, पेरेंट क्या लिया मैंने? पेरेंट लिया ये। ठीक है, अभी अल्फा भी यहाँ पे, अल्फा बीटा ये है, यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अच्छा एक चीज देखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट क्या है, पेरेंट 6 मेंबर की टोन है, 6 मेंबर रिंग की टोन। 6 मेंबर रिंग की टोन के लिए वैल्यू कितनी लेते थे? 215। यहाँ पे भी पेरेंट क्या है? पेरेंट 6 मेंबर रिंग की टोन है, पेरेंट 6 मेंबर रिंग की टोन। इसके लिए वैल्यू कितनी लिखोगे? इसके लिए भी वैल्यू लिखोगे 215 नैनोमीटर। ठीक है, अब बाकी की चीजें देखते हैं। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी ये डबल बॉन्ड लिख देता हूँ नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ठीक है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या करते थे? एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है तो अल्काइल रेजिड्यू देखते थे, एक्सोसाइक्लिक वगैरह देखते थे। देखना जब आपने ये पेरेंट लिया तो क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। कैसे नहीं है यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? जो आपने पेरेंट लिया आपको उन्हीं डबल बॉन्ड को कंसिडर करना है। देखो कई बार बच्चों को ये लगता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, कई बार बच्चों को ये लगता है हमने पेरेंट तो लिया है ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, और कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, आप इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे वैल्यू में, यहाँ पे +5 नैनोमीटर क्यों नहीं लिख रहे? लेकिन मैं इस ये कह रहा हूं क्योंकि ये पेरेंट का पार्ट नहीं है, ये डबल बॉन्ड हमें कंसीडर ही नहीं करना। हमें ट्रांजिशन किसकी वजह से मिल रही है? हम पाई टू पाई स्टार इसकी वजह से देख रहे हैं, इस पेरेंट की वजह से देख रहे हैं। जो जिसको पेरेंट मानना है उन्हीं डबल बॉन्ड की वैल्यूज कंसिडर करनी है जिनको पेरेंट मानना है। बाकी तो मॉलिक्यूल में चाहे 50 डबल बॉन्ड आ जाएं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जिसको हमने पेरेंट माना है हमें उस पे लगे हुए ग्रुप से मतलब है, हमें उसके एक्सोसाइक्लिक होने से मतलब है। ठीक है, इसलिए मैं इस पहले वाले केस में इस डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक नहीं मानूंगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक नहीं मानूंगा तो ये 5 नैनोमीटर की वैल्यू ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, अब अल्काइल रेजिड्यू की बात करें, अल्काइल रेजिड्यू कितने हैं? अल्फा पे कोई नहीं है, बीटा पे है, बीटा पे एक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अल्काइल या रिंग रेजिड्यू, 1 अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू एट बीटा। ठीक है, तो बीटा वाले के लिए कितने वैल्यू ऐड होती थी? 12 नैनोमीटर, टोटल आ जाएगा 227 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखना पेरेंट क्या लिया है, पेरेंट ये लिया है। अब इस पेरेंट में देखना ये जो डबल बॉन्ड है ना अल्फा बीटा वाला, ये इस रिंग नंबर 2 के एक्सोसाइक्लिक है। मैंने कहा था पेरेंट वाले को कंसिडर करना है, इसलिए अब देखो ये पेरेंट वाला है और इस 2 के एक्सोसाइक्लिक है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
ठीक है, और वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर। ठीक है, अब अल्काइल रेजिड्यू देखते हैं, अल्फा पे कोई नहीं है, बीटा पे दो हैं, कौन कौन से, एक ही है और एक ही है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, टू रिंग रेजिड्यू। अल्काइल रेजिड्यू को रिंग रेजिड्यू जब कहते हैं जब वो रिंग का पार्ट हो, है ना। अल्काइल रेजिड्यू कहते हैं ओपन चेन के पार्ट में, रिंग रेजिड्यू कहते हैं रिंग के पार्ट में। तो टू रिंग रेजिड्यू एट बीटा, एक रिंग रेजिड्यू बीटा वाले के 12 होती है, दो के लिए 24 होगी, और टोटल वैल्यू जब जोड़ेंगे 244 नैनोमीटर। अब ये डाउट आएगा कि सर कौन सी वैल्यू कंसिडर करें, तो कौन सी वैल्यू कंसिडर करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू ज्यादा है उसको कंसिडर करना है। वैल्यू ज्यादा कौन सी है, 244 नैनोमीटर ज्यादा है ना, 244 नैनोमीटर ज्यादा है, तो आपको 244 नैनोमीटर कंसिडर करनी है। और ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कम है। जो वैल्यू ज्यादा है उसको कंसिडर करना है, कम वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। ये था वुडवर्ड फिशर रूल और कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।